देश की वध रही आबादी को काबू करने लिए मेरठ तो एक परिवार 360 हिंदुस्तान के शहरों का दौरा करने लिए निकलिया है। यह परिवार शहरों में पैदल यात्रा करके लोगों को आबादी कंट्रोल करने का सुनेहा दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है जो कि बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि साडे देश को इस वक्त सीमित साधन हैं, जेकर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाली पीढ़ियों लिए समा कढ़ना बहुत औखा हो जाएगा। जी सर, क्या नाम है जो आज आप पैदल यात्रा कर रहे हैं? दिनेश तलवार, मेरठ से आए हैं और पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और साथ ही दुख प्रकट करते हैं कि खो गया है नारा हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। और वर्तमान प्रधानमंत्री से हमको उम्मीद है कि वो जनसंख्या वृद्धि पर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे। आज़ादी के वक्त 33 करोड़ और आज 140 करोड़ से ज़्यादा मुल्क की आबादी हो चुकी। आपको लगता है कि जो पॉपुलेशन बम है ये इंडिया पर बुरी तरह से गिरेगा? अगर अभी भी भारत सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में इस देश में बहुत समस्याएं क्रिएट होगी, और उसके लिए सरकार और आम आदमी पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। तो आज की यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जलियांवाला बाग में सिर्फ इसलिए आए हैं कि शहीदों को प्रणाम करने आए हैं और एक ऊर्जा लेने के लिए आए हैं कि एक ऊर्जा मिलेगी कि देश के लिए कुछ करना है। एक अच्छी सोच के साथ हम अमृतसर की सड़कों पर घूमेंगे और लोगों को शांति प्रिय तरीके से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। आपकी यात्रा में कौन कौन शामिल है? मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे इस अभियान में शामिल हैं और 250 शहरों से ज़्यादा हम पदयात्रा कर चुके हैं। आपको जैसे बाहर रोका गया था पुलिस द्वारा, क्या आप यहाँ ऐसे अंदर नहीं आ सकते बिना परमिशन, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? भाई, पुलिस ने उनकी कुछ मजबूरियाँ होगी, उन्होंने हमको रोका, परंतु हमारा ऐसा जरा सा भी कोशिश नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन हमें कहीं मना करता है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारा काम सिर्फ जागरूकता फैलाना है, किसी से लड़ने का कार्यक्रम हमारा कतई नहीं है।